पर स्त्री गमन, ये काम हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। जननी समझा न हो पर नारी, ये काम महाराज हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। राधे राधे, हम चाहे सारे पृथ्वी के छत्र सम्राट बने रहें, सारे भूमंडल के, लेकिन महाराज अगर आप अपने चरित्र से गिर गए तो आप जीवन में सुखी महाराज रह नहीं सकते हैं। आपके घर में श्री लक्ष्मी जी महाराज घर में रह नहीं सकती हैं, आपके घर में सुख समृद्धि कभी रह नहीं सकती है। इसलिए महाराज ये काम हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। कितने स्थान हो गए? तीन स्थान हो गए। चौथा स्थान दिया हिंसा। हिंसा का मतलब जीव को रांध करके मार करके खाना, ये काम भी हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राधे राधे। हम सब लोग मांसाहारी प्राणी नहीं है, शाकाहारी प्राणी है। राधे राधे। शाकाहारी हम सब लोग, मांसाहारी और शाकाहारी की पहचान क्या है? जो मांसाहारी जो जीव होते हैं उनके आगे के दांत बड़े होते हैं, कुत्ता सिंह ये मांसाहारी है। राधे राधे। और एक और बात बताएं, जो मांसाहारी जीव होते हैं वो जीव से पानी पीते हैं, शाकाहारी जो प्राणी होते हैं वो मुख से पानी पीते हैं, और मांसाहारी प्राणी जीव से पानी पीते हैं। कुत्ता कैसे पानी पीता है? मुख से कि जीव से? बिल्ली कैसे पानी पीती है? मुख से कि जीव से? शेर पानी कैसे पीता है? जीव से कि मुख से? राधे राधे। और गाय पानी मुख से पीती है कि जीव से? भैंस पानी कैसे पीती है? मुख से कि जीव से? बकरी पानी कैसे पीती है? मुख से कि जीव से? बात समझ में आई कि नहीं? शाकाहारी जो प्राणी है वो महाराज मुख से पानी पीते हैं, और मांसाहारी जो प्राणी है वो जीव से पानी पीते हैं। तो हम सब लोग पानी कैसे पीते? जीव से कि मुख से? मुख से पानी पीते हैं ना, तो फिर हम कैसे प्राणी हैं? शाकाहारी। अब कई लोग कहते हैं महाराज अगर ये और बकरा मुर्गा अगर नहीं खाए जाएंगे तो उनका क्या होगा? फिर आबादी नहीं बढ़ जाएगी? का बखर में चलेंगे? का ये फिर क्यों भाई? अगर ये नहीं काटे जाएंगे तो उनकी आबादी बहुत बढ़ जाएगी, जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा, इनकी जनसंख्या की चिंता है तुम्हें, तो कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं खाते हो फिर? क्यों भाई? अरे जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण ये सब तो परमात्मा के हाथ में है, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। ये काम हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। जितना तुम्हें अपने प्राणों से प्रेम है उतना ही प्रेम चिंटी को अपनी देह से है, उतना हाथी को अपनी देह से है। सबको अपनी देह बहुत प्रिय होती है, इसलिए काम हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। जीव को मार करके रांध करके नहीं खाना चाहिए। राधे राधे। अब तो शाकाहारी लोग कहते अंडा भी आने लगा है। राधे राधे। ऐसी चर्चा होने लगी कि महाराज उस समय तो जीव होता नहीं है, लेकिन ना भाई वो शाकाहारी नहीं होता है। मुर्गियों को यातना दे करके उन अंडों को उत्पन्न किया जाता है, जो दूसरों को यातना दे करके, राधे राधे, दुख दे करके जो खाया जाए वो हत्या ही तो है महाराज।
हिंसा ही तो है। इसलिए महाराज ये काम हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। कितने स्थान हो गए? चार हो गए। कलयुग ने कहा हमारा चार कमरों में हमारा परिवार नहीं बन सकता है। हमारा जो परिवार है वो हमारा परिवार तो बहुत बड़ा है। हमारे परिवार में दम्भ है, कलह है, दुरुक्ति है, मिथ्या भाषण है, व्यभिचार है, अनाचार है, अत्याचार है। बहुत बड़ा मेरा परिवार है। और हमारा परिवार महाराज इन चार कमरों में नहीं बन सकता है। सो पुनश्चो याचमानायो, पुनः याचना करी। और जब पुनः याचना करी तो महाराज जी को दया आ गई और पांचवा स्थान दे दिया। रजौ बैरम चो पंचमम, पांचवा स्थान क्या दे दिया? सोना दे दिया। सोना राधे राधे, सोना तो सबको प्यारा है। सोने का मतलब पैसा। राधे राधे, उस समय शायद स्वर्ण मुद्रा चलती होगी, फिर बाद में रजत मुद्रा चली, फिर कागजी मुद्रा इस समय चल रही है। तो पैसा तो सबको प्यारा है ना। अब कौन से पैसे में, कौन से सोने में कलयुग का वास है? जो अनीति से कमाया जाए, जो अन्याय से कमाया जाए, जो रिश्वत से कमाया जाए, जो भ्रष्टाचार से कमाया जाए, जो दूसरों को दुख देके कमाया जाए, उस कमाए हुए धन में किन का वास है? कलयुग का। लेकिन जो पैसा धर्म से कमाया जाए, नीति से कमाया जाए, मेहनत से कमाया जाए, श्रम से कमाया जाए, उस धन में किन का वास है? लक्ष्मी जी का शुभ लाभ। लाभ तो होवे, लेकिन कैसा लाभ होवे? शुभ। अगर अशुभ लाभ कर लिया ना, एक हमारे मित्र कहा करते हैं, धूत विद्या मल्लई, धूत विद्या मल्लई 12 साल चल रही। समझ रहे कि बुंदेलखंड की बात है, अपनी भाषा में कहते हैं हमारे मित्र, धूत विद्या मल्लई 12 साल चल रही। माने मल्लई का मतलब पहलवानी, धूत विद्या का मतलब कपट। ये कब तक